किसान का सपना खेतों पर होता है। सुबह उठते ही मुंह धोकर बस चाय पीकर वो अपना सामान वगैरह लेकर खेतों पर चल देते हैं। वहाँ पहुँचकर वो सोचते हैं, आज मैं क्या बोऊँ। बस वो अपनी धुन में ही चले जाते हैं और बीज बोते हैं, धान, गेहूँ, सब्जी, गन्ना वगैरह सब बो देते हैं। फिर धीरे धीरे वो खेतों पर बीज लहराने लगते हैं और हरियाली छा जाती है। खुशी का ठिकाना नहीं रहता किसान का, और वह वही सपना देखने लगता है। उनका सपना एक ही होता है कि मेरी खेत बस ठीक रहे, सलामत रहे। भगवान से दुआ मांगते हैं, हे भगवान, बारिश भी तुम धीरे से ही देना, हवा तुम भी धीरे से आना। कहते हुए वो ऊपर देखते हैं और अपनी फसल को प्यार से देखा करते हैं। धीरे धीरे फसल पक जाती है। वह फसल काट कर लेकर जाते अपने घर और रख देते गोदामों पर। इनकी फसल इतने शक्तिशाली है, जहाँ पर घूमता है और सारे लोग खाते हैं। ये बहुत मेहनती होते हैं, सारा दिन फावड़ा चलाते अपने खेतों पर। न धूप, न बारिश, न ठंड, न हवा, किसी की परवाह नहीं। बस अपनी धुन में फावड़ा चलाते हैं और बंजर खेतों में भी अनाज उगा देते हैं। किसान हमारे मित्र हैं और हमारे अन्नदाता भी हैं। अगर ये हमें अन्न नहीं देंगे तो हम जिएंगे कैसे। और किसान भी यही सोचते हुए अपने सारा ध्यान खेतों पर लगा देते हैं। सुबह शाम दिन सारा दिन बस खेतों में लगे रहते हैं। इनको न सकल सूरज सजाने की समय है, ना ही खाने का समय है। बस एक ही धुन लगा रहता है कि मेरा खेत हरियाली हो जाए, हरा भरा हो जाए और फसल ही फसल हो, जिसे मैं ले जा सकूं। और वह इन्हीं में सपने बुनते हुए शाम तक खेतों में ही रहते। और जाते जाते वो अपने साथ अपने साथ ले जाते हैं अपने जीव जंतु के लिए घास, खर और कुछ भी हो लेकर जाते हैं कि वो भी खाए, पेट भरे, क्योंकि उन्हीं को लेकर ये अपने खेत में आते हैं। यही कहते हुए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।